आज का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि आखिर हमारा करंट है क्या। जैसे कि पिछले कुछ चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर हो तो आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है। जब हम इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी के साथ अप्लाई लगा देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो गया और इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये भी मालूम है कि करंट हमेशा जो है दो चीज़ों दो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। एक जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, और दूसरा वो करंट है जो होल्स की वजह से बहता है जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या और कन्वेंशनल करंट क्या, और इन दोनों को जो है हम लोग कहते हैं कि ये दोनों मिलके इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसे बोला जाता है इन दोनों के जो है एडिशन को। अब हम लोग जो है करंट, इसे भी करंट की भी जो है दो टाइप्स आ जाती हैं। अगर मैं किसी भी सर्किट के साथ, अगर कोई सर्किट है और उसके साथ मैं इस तरह का सोर्स अटैच करती हूँ, मतलब कि मेरे सोर्स की जो अटैचमेंट है या जो मैं सोर्स अटैच कर रही हूँ उस सोर्स की भी टाइप होती है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक कंडक्टर था, कोई भी एक कंडक्टर है या कोई भी अप्लाइंसेज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है जिसके साथ मैंने वायर्स के ज़रिए एक सर्किट कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी। वो बैटरी जो है मैंने ऐसी बैटरी लगाई है जिसकी वजह से इस सर्किट के अंदर डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, रिवर्स नहीं होती। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैंने ये सोर्स अप्लाई किया है जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है, और यहाँ पर करंट ने हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो करना है। कभी भी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में नहीं जाता, मतलब कि करंट की एक डायरेक्शन फिक्स है कि इसने जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाना है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि, मुझे थोड़ा सा साइन इस तरह से बनाना चाहिए, कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में चलता चला जाता है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड के लिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और अगले साइकिल या सेकंड के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमेशा करंट इस किस्म के सोर्स में, जब ये वाला सोर्स लगाया जाता है, ऐसी बैटरी लगाई जाती है, तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ऐसा करंट सोर्स जिसे बैटरी के साथ लगाने से सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस के अंदर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, उस सोर्स को हम लोग कहते हैं कि ये डीसी सोर्स है, मतलब कि डीसी करंट है। ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है उसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसे डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन अगर इसे हम लोग सिम्बॉलिकली लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब मेरे पास यही सर्किट है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगा हुआ है, उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसे मैं एक ऐसे सर्किट के साथ कनेक्ट, एक ऐसे बल्कि बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देती हूँ जिसका करंट हर एक साइकिल के बाद रिवर्स होता है। यानी कि इस तरह का ये एक सोर्स लगा दिया यहाँ पर। इस सोर्स के लगाने से क्या फ़र्क होगा, जो फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि अगर इसकी ये साइकिल है, जैसे कि आपको मालूम है ना कि वेव्स होती हैं, वेव्स इस किस्म की डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि इसका हाफ साइकिल जो होता है वो अपर होता है और हाफ साइकिल जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। हम लोगों ने वेव्स में ये पढ़ा था कि ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा ट्रफ है, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर हमारे पास एक कम्प्लीट वेव बना देते हैं। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ करंट में भी यूज़ होता है। करंट में किस तरीके से यूज़ होता है, करंट में भी ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स होती है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो करंट सोर्स है ये एसी करंट सोर्स है या अल्टरनेटिव करंट है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे चैप्टर का नाम ही अल्टरनेटिव करंट है। मतलब कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ऐसे करंट को स्टडी करेंगे, ऐसे करंट की करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे जो हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स होता है। आपने यहाँ पर जो भी अप्लाइंसेस लगाया है जिसके साथ आपने इस बैटरी को, इस बैटरी सोर्स को जो कि एसी है, उसे कनेक्ट कर दिया है, तो आपके इस अप्लाइंसेस के अंदर एसी करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है।
मतलब ये कि उस अप्लाइंसिस के अंदर जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा कि अगर वो हाफ साइकिल में, यानी कि आप फर्ज कर लीजिए कि एक सेकेंड हम लोगों ने टाइम पीरियड लिया है या एक सेकेंड लिया है, और उस सेकेंड में क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर नेगेटिव से इसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके पॉजिटिव कर लिया। मतलब ये कि इसमें कोई ना स्पेसिफाई भी नहीं होता कि इस तरह से इसका एक सिंबल होता है, लेकिन इस सिंबल पे ये नहीं लिखा होता कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से इसके अंदर जो है ये स्पेसिफाई या आइडेंटिफाई नहीं किया होता कि इसका टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। जस्ट ये वेव का एक सिंबल बना दिया जाता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जिसे है ना, इसे आप पॉजिटिव हाफ साइकिल कह सकते हैं क्योंकि अपवर डायरेक्शन में है। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फर्स्ट के लिए करंट फ्लो कर रहा है, और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है जिसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं उसमें करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। यानी कि आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये मेरे पास मेरा वो अप्लाइंसेस है जिसके साथ मैंने एसी सोर्स लगाया है, तो इस एसी सोर्स को इस तरीके से समझ लें कि ये इस तरीके में है। जब इस तरीके में ये एक्ट कर रहा है बेसिकली तो इसका साइन पूरा ही आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ये इस तरीके से डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है वो तकरीबन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से। लेकिन अगर अगले हाफ साइकिल की बात की जाए तो उसमें जो इसका साइन है वो तकरीबन इस तरह से हो जाता है, अगर इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब है कि अब हमारा करंट की जो डायरेक्शन है रिवर्स हो गई है। तो इस तरीके से इन अप्लाइंसेस के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है, फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव रहती है देन नेगेटिव हो जाती है। अभी हम इसी चीज़ को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास ये एसी सोर्स है ना, हम लोग जो घरों में करंट इस्तेमाल करते हैं ना, या हमारे पास घरों में जो टीवी फ्रिज वगैरह और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर जो करंट आ रहा होता है वो करंट एसी करंट होता है। वो हम एसी करंट ही क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग डायरेक्ट करंट भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ करंट चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑन करने के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है और एसी करंट का एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि जो एसी करंट है इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों को हाई वोल्टेज भी अप्लाई नहीं करना पड़ता। दूसरी बात ये कि अपना साइकिल जो है वो रिवर्स करके आ रहा होता है, मतलब इस तरीके से हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। तो अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ आ रहा हो तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता, क्योंकि उसकी जो है डायरेक्शन रिवर्स होती है। जब रिवर्स होती है तो आपका जो वोल्टेज है वो अपने आप बैलेंस होता जाता है, जबकि डायरेक्ट करंट है उसे आप लोग ज़्यादा डिस्टेंस तक यूज़ भी नहीं कर सकते। उसको किसी भी अप्लाइंसेस के साथ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, और चूँकि वो एक डायरेक्ट डायरेक्शन में आ सकता है उसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं होती, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है डीसी को प्रेफर नहीं करते और एसी को प्रेफर करते हैं, और एसी को ही हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग डीसी को इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर हम डीसी को इस्तेमाल ना करते होते तो हम डीसी का जो है डीसी के बारे में पढ़ते ही, क्योंकि आखिर डीसी है क्या। डीसी का भी एसी के ऊपर एक एडवांटेज है। डीसी का एडवांटेज ये है कि ये जो है पोर्टेबल है, इजीली आप इसे किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं। आपको मालूम है कि आपके ये जो कैलकुलेटर हैं, जो रिमोट कंट्रोल है, या आपकी रिस्ट वॉचेस वगैरह हैं, इनके अंदर जो ये जो सर्किट इस्तेमाल होता है, जो उनको करंट दे रहा होता है इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल, मतलब कि जो भी आपके डिजिटल साइन है उन्हें स्क्रीन पर लाने के लिए, वो करंट वहाँ पर डीसी इस्तेमाल होता है। क्योंकि एसी को आप इजीली कहीं पर भी नहीं लेके जा सकते, मतलब ये पोर्टेबल नहीं होता, जबकि डीसी आपके पास पोर्टेबल है, इजीली कैरेट करके किसी भी जगह पे ले जाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग रिमोट कंट्रोल वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में, और कैलकुलेटर विस्ट वॉचेस वगैरह में डीसी को प्रेफर करते हैं। जबकि घरों में चूँकि हमारे पास अप्लाइंसेस ज़्यादा हैवी होती हैं और वहाँ तक डिस्टेंस भी लार्ज होता है, हो सकता है मुख्तलिफ स्टेशन पावर स्टेशन से काफ़ी लोगों के घर दूर होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एसी को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह एसी और डीसी के एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज है, लेकिन मोर प्रेफरेबल जो है हमारे पास एसी है। एसी की ही करैक्टरिस्टिक्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारे पास एसी सोर्स या एसी करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन है फ्लो होने की, वो डायरेक्शन कुछ ऐसी है जो कि हमारी वेव से मिलती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात की। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी थोड़ी बहुत वेव से मिलती हैं। जैसे कि आपको मालूम है ना कि जब हम लोगों ने वेव की बात की थी तो हम कहते थे ये हमारा पॉइंट ज़ीरो है और ये वाला जो है पॉजिटिव साइकिल आ जाता है, ये देन हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ जाता है जिसे हम लोग ट्रफ कहते हैं, और ये चीज़ हमारे पास क्रस्ट होती है। इसी तरह हर एसी जो है दो पार्ट भी होता है, एक इसका पॉजिटिव पार्ट होता है और एक इसका नेगेटिव पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट मिलकर जो है एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, और एक कंप्लीट साइकिल जो है वो एक एसी होता है।
एसी करंट हमें मिलता किन किन चीज़ों से है, मतलब कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि हम लोग एसी का सोर्स क्या है, तो वो जो है जनरेटर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो है मशीन्स वगैरह होती हैं जिनके अंदर हम लोग एसी सोर्स को यूज़ करते हैं। एसी सोर्स क्या आपको मालूम है कि दो साइकिल हैं, दो मतलब के पार्ट्स हैं जो मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, और एक साइकिल यानी कि इसका एक साइकिल कंप्लीट होने में, इसके दोनों पार्ट्स को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। और आपको ये भी मालूम है जैसे आपने वेव्स में पढ़ा था कि किसी भी एक पॉइंट से, इसके इनिशियल पॉइंट से एक सेकंड के अंदर या किसी भी एक पॉइंट से गुजरने वाली जितनी भी एसी वेव्स होंगी या एसी करंट की इस तरह की जो वेव्स होंगी वो एक सेकंड में जितनी उस पार्ट से या उस पॉइंट से पास कर जाती हैं उसे हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, मतलब कि उसकी तेज़ी से गुजरने की जो इस्तेमाल है कि वो कितनी तेज़ी से एक पॉइंट के अंदर से कितनी वेव्स गुजर जाती हैं एक सेकंड के अंदर, उसे हम उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड तो आपको मालूम है कि इन्वर्सली रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी के साथ। और अगर वैसे टाइम पीरियड को देखा जाए तो टाइम पीरियड वो वक्त होता है जिसके दौरान एसी करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। एसी जो करंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि इसकी वेलोसिटी, इसके वोल्टेज को और इसके करंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक वी नॉट साइन थीटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आपको मालूम है कि जब हम लोगों ने थीटा की बात की थी चैप्टर नंबर 5 में फिजिक्स की बुक 1 में, तब हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग थीटा को ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं वी इज़ इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखूँ तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। सिमिलरली अगर आई का रिलेशनशिप निकालना हो एसी करंट के लिए तो वो भी आई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा यूज़ किया जा सकता है। ये दो फॉर्म्स हैं इसके वोल्टेज और इसके करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये दोनों फॉर्म्स आती कैसे हैं इसे भी अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आती है। पहले हम एसी वेव्स को देख लें कि एसी वेव्स जो हैं या एसी जो करंट है वो बनता किस तरीके से है और उसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा इस तरीके से है ज़ीरो एक्सिस, और इसे थोड़ा सा सही बना लेते हैं कि ज़ीरो एक्सिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस था जिसके साथ आपने जो है एसी सोर्स अटैच कर दिया है। अब जब आपने इसके साथ एसी सोर्स अटैच किया है तो आप ये देखना चाहते हैं कि इस अप्लाइंसेस के अंदर एसी सोर्स जो एसी करंट है वो इस एसी सोर्स की वजह से किस तरीके से फ्लो करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एसी करंट की जो वेव है वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास अभी टाइम जो है आपने ज़ीरो रखा है, जब टाइम ज़ीरो रखते हैं तो आपके पास जो है वोल्टेज वो भी ज़ीरो होता है, करंट जो है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि वोल्टेज ही अभी ज़ीरो है, टाइम ही अभी ज़ीरो है, तो उस टाइम में ना तो करंट फ्लो हुआ है और ना ही हमारे पास जो है वोल्टेज फ्लो हुआ है क्योंकि अभी तो स्टार्ट है ना। जैसे ही टाइम इंक्रीज होता है, मतलब कि ये टी ज़ीरो पे था, जैसे ही मैं इस तरह से टाइम इंक्रीज़ करती चली जाती हूँ तो क्या होता है कि इस टाइम के बढ़ने की वजह से चूँकि अब एसी सोर्स कनेक्ट हो गया है तो इसमें जो वोल्टेज है वो भी बढ़ता चले जाएगा और वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होता है कि हमारे पास जो है एसी करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जब ये इस पॉइंट पर आता है ना, इस पॉइंट पर, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाता है कि टी बाय फोर मतलब कि क्वार्टर टाइम जब पास हो जाता है तो हमारे पास इस तरह से एक वेव बन जाती है जिसका क्वार्टर पोर्शन आता है। और यहाँ पर आपको मालूम है, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग कोई भी ये देखें, एक कंप्लीट सर्किट होता है साइकिल जो है उसके अंदर 360 एंगल होते हैं, इसके अंदर जो है ये वाला सारा एंगल 90 है, देन ये 180 आता है, फिर 270, देन अगेन 360। तो इस तरीके से जो है 360 का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक जो आपके पास एक जो क्वाड्रेंट होता है उसका जो एंगल है वो 90 होता है, तो ये जो शेप है ये तकरीबन 90 के एंगल की है। तो यहाँ पर आके जो हमारे पास एंगल होता है वो हमारे पास आ जाता है पाई बाय टू। क्योंकि मैं एंगल इसलिए कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वोल्टेज और आई के लिए जब भी बताना होगा एसी के लिए कि इस किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस के अंदर कितना एसी सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है और कितना एसी सोर्स की वजह से वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए मुझे उसका टाइम पीरियड भी मस्ट चाहिए होता है, चूँकि टी यहाँ पर यूज़ हुआ है, ओमेगा भी चाहिए होता है जिससे हम लोग एंगल बता सकते हैं, तो मुझे एंगल यहाँ पर मस्ट रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे ही हम लोग एसी सोर्स को हम लोगों ने टाइम ज़ीरो दिया था तो कोई सोर्स नहीं, उसमें से कोई करंट नहीं पास हो रहा था, जैसे ही क्वार्टर टाइम पास हुआ तो उसमें से करंट भी फ्लो हुआ, वोल्टेज भी फ्लो हुआ, और हमें जो है एसी सोर्स की वजह से फ्लो होने वाले करंट की थोड़ी सी डायरेक्शन मालूम होगी कि वो इस तरीके से हाफ क्रस्ट बना रहा है। जैसे ही टाइम टी बाई टू हो जाता है,
तो ये जो हाफ क्रस्ट है इस तरीके से वो इस तरह कंप्लीट हो जाती है। जब इस पॉइंट पर आती है तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो टी बाई टू हो जाता है और एंगल जो है वो पाई हो जाता है, जो कि आपको मालूम है कि हाफ जो ये जो हमारे पास सर्कल है या सेमी सर्कल है वो 180 के एंगल के इक्वल होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे एसी सोर्स की वजह से फ्लो करने वाले करंट यहाँ तक आता है तो एक क्रस्ट कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर आकर टाइम पीरियड टी बाई टू होता है और एंगल जो है हमारा पाई होता है। ये जो पीक बनती है ना, इस तरीके को देखा जाए तो ये जो चीज़ बनी है ना हमारे पास जो क्रस्ट है, इसे इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि ये इसकी पीक है और इसे हम लोग पॉजिटिव पीक कहते हैं। चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसे पीक कहते हैं, पॉजिटिव पीक कहते हैं, और ये वाला हिस्सा चूंकि ऊपर है तो इसे हम इसकी पीक ही कहेंगे कि मतलब इसका टॉपेस्ट पॉइंट जो है, टॉप पे जो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे हम लोग पीक कहते हैं, और चूंकि अपर सर्कल है इसलिए पॉजिटिव का। अब क्या होता है कि हमें मालूम है कि ये हमारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स ने हाफ डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करना और हाफ डायरेक्शन में नेगेटिव, तभी तो इसका साइकिल कंप्लीट होगा। जब ये पॉजिटिव साइकिल में गया तो इसने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो रिवर्स का मतलब है कि हमें अपने जो ये मेन एक्सिस है इससे बिलो जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब होता ये है कि जैसे ही हम लोग टाइम पीरियड मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, मतलब पहले टी नोट था, फिर हमारे पास टी बाई फोर आया, फिर हमारे पास टी बाई टू आया, अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारा टाइम पीरियड जो है वो 3T यहाँ पर आ जाता है, इस तरीके से कि हमारा टाइम पीरियड 3T/4 आ जाता है, यानी कि हम लोग तीसरे क्वार्टर में आ गए हैं, हम लोगों ने 3 हिस्से कंप्लीट करी हैं, इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेव है डाउनवर्ड जा रही है, जैसे कि ट्रफ है और ट्रफ का हाफ पार्ट जो है वो कवर हुआ है। जब कोई चीज़ इस तरीके से आ जाए, यानी कि यहाँ पर थे तो 90 एंगल था सर्कल के अंदर, यहाँ पर आए तो 180 था, जैसे यहाँ पर गए तो ये वाला एंगल जो है अब 270 हो गया, तो यहाँ पर आकर एंगल जो है वो हमारा 3π/2 हो जाता है, जिसे मैं 270 भी कह सकती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं टाइम को मज़ीद इंक्रीज़ करती हूँ, तो टाइम के इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि वोल्टेज और करंट मज़ीद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मगर रिवर्स डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि ये मज़ीद आगे बढ़ के ट्रफ को कंप्लीट कर देता है। जब ये ट्रफ कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो भी टी कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो एंगल है, मतलब कि जो हमारा ये थीटा आ रहा था वो साइकिल, वो 2π, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एसी करंट की जो है एक फॉर्म आ जाती है कि एसी करंट आखिर बनता किस तरीके से है। अब जब इस पॉइंट पर आता है ना 3T/4 पे, तो यहाँ पर हमें एक पीक मिलती है जो सबसे ज़्यादा इसमें ना लोअर पार्ट में सबसे नीचे होती है, क्योंकि ये भी एक पीक है लेकिन लोअर डायरेक्शन में, तो हम इसे कहते हैं कि ये नेगेटिव पीक है। तो इस तरीके से जो है एक एसी वेव के अंदर 2 पीक्स होते हैं, एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक, और इस तरीके से टाइम टू टाइम इसका जो टाइम टू टाइम इसका एंगल भी वेरी करता है और इसकी जो बनने की डायरेक्शन है वो भी वेरी करती है। एक और बात कि एसी करंट की जो वैल्यू है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मतलब इसकी जो करंट है और वोल्टेज है इन दोनों की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है जैसे ही आप 0 को क्रॉस करते हैं, मतलब बहुत ही फास्टर से बढ़ती है, फास्टर स्पीड से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही पीक पे पहुंचती है तो पीक के बाद जो है स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है वोल्टेज की भी वैल्यू और करंट की भी वैल्यू। और करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक साइकिल में बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन जैसे ही दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है तो उसकी डायरेक्शन और उनकी वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब इसी एसी सोर्स की वजह से बनने वाला जो एसी करंट हमारे पास आया है, इस एसी करंट के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके अंदर अंदर हम लोग ये बता सकें कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है इस करंट की या वोल्टेज की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंट के अंदर, किसी भी लम्हे, किसी भी दौरानिया के अंदर अगर आपको एसी सोर्स के अंदर, एसी सोर्स की वजह से फ्लो करने वाले एसी करंट के अंदर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर अगर वैल्यूज चाहिए तो उसे आप कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसे हम लोग किस तरीके से मालूम करते हैं, हम इसे इस तरीके से मालूम करते हैं कि बेसिकली फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को V=V0 sin ωt और I को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I=I0 sin ωt। तो अब इन दोनों फॉर्म्स में ये जो I और ये T है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं, जबकि ये V0 और ये I0 जो है हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू देते हैं।
ये मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, आप इन इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये पीक टू पीक वैल्यू देते हैं। आपको मालूम है कि इस पीक पर भी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि पॉजिटिव में होगी, और इस पीक पर भी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि नेगेटिव में होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि वी नॉट और आई नॉट चूँकि मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ होगी, पीक टू पीक। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये पीक टू पीक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएंगी, और वी और आई जो है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से जो है हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू और जो हमारी पीक टू पीक या मैक्सिमम वैल्यू है, इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या है कि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर रहे हैं पीक टू पीक, तो ये आपके पास टू वी नॉट के इक्वल आ जाते हैं। वी नॉट आपको मालूम है कि मैक्सिमम है, जो कि इक्वल आ जाता है टू अंडर रूट टू, यहाँ पर हमारे पास वी आर एम है। VRMS जो है हमारी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है। ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी को अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना हो कि ये किस डायरेक्शन में बनती है, तो इसे आप इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपने इसी तरीके का जो है ग्राफ प्लॉट किया है, तो उसमें जो है आपकी VRMS जो है वो इस तरह से आएगी। ये VRMS है, चूँकि यहाँ पर तो आपके पास पी 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 आएगी ना, यानी कि पीक टू पीक वैल्यू जो कि मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी VRMS से ग्रेटर होगी। इसी तरह अगर आपको करंट भी बताना हो, तो करंट हमेशा वोल्टेज के साथ साथ ही होता है। इस तरह से इसकी डायरेक्शन आ रही होती है करंट की, सॉरी बल्कि इस तरह से, इस तरीके से इस पॉइंट से गुजरता है करंट भी, और इस पॉइंट पर जाकर एंड हो जाता है। मतलब कि करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं। और अगर आपको करंट की पीक टू पीक वैल्यू निकालनी हो, उसका रिलेशनशिप मालूम करना हो आपको अपनी वी नोड या आई नोड के साथ, तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर टू आई नोड आ जाएगा और टू अंडर रूट टू वी आर एम एस, यानी कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस रिलेशनशिप में कहा है कि वी आर एम एस, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती क्या है, ये रूट मीन स्केयर करंट हमारे पास आखिर होता क्या है। ये रूट मीन स्केयर करंट, ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी एक्चुअली में हमारे पास जो है इफेक्टिव वैल्यूज होती हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे साइकिल के अंदर करंट और वोल्टेज की वैल्यू इफेक्ट होती हैं, और वो जो इफेक्टिव वैल्यू है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ अल्टरनेटिव करंट, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये वी आर एम एस वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम लोग इस तरह से